अंकल मैं इतनी देर से आपको प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। फिर आप कहोगे हमारी जनरेशन इतनी बदतमीज है। करेक्ट? डू यू इवन नो अगर मेरे फ्रेंड्स को ये खाना पसंद नहीं आया तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मैंने ना मेरे फ्रेंड्स के सामने आपके कैफे की इतनी तारीफ की थी एंड नाउ यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। आई एम सॉरी बेटा, आज सेम बर्गर पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने पहले से मुझे इन्फॉर्म किया होता ना तो मैं यू मीन मुझे कैफे में आने से पहले कॉल करके पूछना चाहिए था दैट दिस बर्गर इज अवेलेबल और नॉट। सीरियसली आपके तो 5-स्टार होटल से भी ज्यादा नखरे। देखो हम नखरे नहीं कर रहे हैं, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इफ यू वांट हम बाकी के डिशेस तुम्हें 20% डिस्काउंट पे दे सकते हैं। टू हेल विद योर डिस्काउंट्स, माइंड योर लैंग्वेज, टॉक टू माय हैंड आंटी। और बात पैसों की नहीं है, बात इंप्रेशन की है। लेट इट बी शनाया, लेट्स गो। आज ना आप लोग की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है मेरे फ्रेंड्स के सामने। आई वॉन्ट फॉरगिव यू ऑल फॉर दिस। मेरे ना सोशल मीडिया पे 18,000 फॉलोअर्स है। इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी करूंगी ना 2-3 दिनों में कैफे बंद हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पहले मैं जाऊंगी हाउसवाइफ वाली क्लास, उसके बाद फिर जाऊंगी डांस एकेडमी। हाँ मैं डब्बा रख लिया है। लेट्स लीव गाइस, वी डू समथिंग। एक मिनट बेटा, सुनो सुनो, जस्ट गिव अस 10 मिनट्स प्लीज। नो सॉरी, व्हाट हैपेंड गाइस, क्या हुआ? As usual, लोग कैफे तो खोल लेते हैं लेकिन कैफे रन नहीं कर पाते। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। What? देख वो क्या कहते हैं तुम लोग, वो हाँ बकरा बनाया। अब जो ऑर्डर किया है वही सामने प्लेट में आ जाए तो उसमें मजा क्या है। तो मैंने तुम लोगों के साथ ना वो प्रैंक किया। आई मस्ट से आप लोग सब बहुत अच्छे एक्टर्स हो, स्पेशली ये आंटी। आई एम नॉट एन आंटी। हेलो, ग्राहक है ना वो भगवान होते हैं और भगवान ने कहा आंटी हो तो आंटी हो। ये देख, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस दिन था। फाइनली Thank God, अनुपमा ने बना के भेजा। अगर हेल्प करनी थी तो फिर घर पे इतना हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी? काव्या प्लीज, नॉट नाउ। कैसा बना? एग्जैक्टली जैसे मुझे चाहिए था। थैंक यू मैम। वैसे एक बात कहूँ, ऐसे बदतमीज स्टाफ क्यों रखा है आपने? निकाल दीजिए ना। मैं स्टाफ, आंटी और बा मैम। वाओ, कम ऑन गाइस, लेट्स ईट। कम ऑन। अनुपमा कहाँ है? वो नहीं आई। तो फिर इतने सारे बर्गर्स कहाँ से आए? अरे इतनी रात को रसोड़े में मुझसे जागरण कराएगी क्या? बाप, मैं गुस्सा हूँ पर मैं वो कैसे भूल जाऊँ जो मैं खुद बच्चों को सिखाती हूँ। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बच्चे जिद पे आते हैं तो बिल्कुल अड़ ही जाते है ना। इतनी बात बताने के लिए तू मुझे यहाँ तक लेकर आई? नहीं नहीं बाप, वो कैफे में वो जो लड़की आई थी वो कीटो बर्गर वाली, वो 2 दिन में 2 बार आई है और दोनों बार उसने कीटो बर्गर ऑर्डर किया है और वो घर के लिए भी पैक करा कर लेकर गई है। हाँ तो बस समर और स्वीटी को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो हमेशा वही बनवाते हैं और तब तक बनवाते रहते हैं जब तक उनका मन उस चीज से उब नहीं जाता है ना। हाँ पता है, पर ये बात तो तू मुझे कमरे में भी कह सकती थी। हाँ यहाँ क्या, तेरे प्रवचन का नेटवर्क ज्यादा अच्छा आता है। बा वो लड़की फिर आएगी और वही कीटो बर्गर ऑर्डर करेगी। मैं अब से मिस्टर शाह के कैफे में मदद नहीं करूंगी पर किसी को तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आपको वो बर्गर सिखाने के लिए लेकर आई। अभी भी तो उनके बारे में ही सोच रही? मैं गुस्सा हूं बा, पर मेरे गुस्से के वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। शुरू करें।
लाल शर्म से हुआ टमाटर कान में बोला प्याज के आकर हरी सब्जियां गई कहां है बोलो सारी दही कहां है रात को 5 बार बर्गर बनाना सीखा तो अब जाके स्वाद हाथ में बैठा। अनुपमा यहाँ ना आके भी हीरोइन बन गई। ठीक है, मेरी बेटी ने गुस्सा होकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। तुम अनुपमा पे हंस रही हो? हाँ, क्योंकि किसी का सीधा होना, किसी का अच्छा होना आजकल स्टूपिड माना जाता है। उनके साथ डोरमेट की तरह बर्ताव किया जाता है। कल आपने देखा होगा समझा कि अनुपमा देवी बन सकती है पर डोरमेट नहीं। कल तो सिर्फ एक ट्रेलर था, भगवान के लिए उसे पूरी फिल्म दिखाने को मजबूर मत करो। हाँ, आजकल ज्यादा अच्छा होना तो दोस्त लोग कहते हैं क्या यार तू हीरो बन रहा है या तो क्या यार तू हीरोइन बन रही है। लेकिन एक बात मत भूलो बेटा, सिर्फ कहानी नहीं दुनिया भी हीरो हीरोइन की वजह से ही चलती है। इसलिए उन्हें अपने जैसा नहीं उनके जैसा बनने की कोशिश करो। थैंक यू। थैंक यू इसलिए मुझे गलत साबित करने के लिए। हा? मुझे पहले लगता था कि मिस्टर शाह की हेल्प करके आप गलत कर रही हैं। तब मैं नाराज था। अब आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी। पता है किसी पे गुस्सा करके ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर पत्थर रख दिया हो, पर किसी की मदद करने के बाद ऐसा लगता है जैसे माँ ने यहाँ हाथ रख दिया हो। मुझे नहीं पता कि मिस्टर शाह और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, पर अब मैं इतना जानता हूं कि उन्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं उनकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का बेटा हूं। पर एक बात कहूं, ये सब इतना आसान नहीं है। आसान तो ट्रैकिंग भी नहीं है मम्मी, लेकिन लोग ट्रैकिंग करके हिल टॉप पे पहुंचते हैं ना। राइट राइट, पर हम जैसे हैं ना हमें वैसे ही नहीं रहना है, और भी बेहतर बनना है। समझो, लेट्स डू इट रॉकस्टार। ओह।